तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेस्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सिल। और इस समय इसका जो इन लोगों का जो ईयरली पास हुआ करता है उसकी कीमत 699 वाला जो पास है मात्र इस समय 527 रुपये कर दिया गया है। इसमें भी अगर आप लोग परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार तो आप लोगों को इसमें 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, यानी कि ये ईयरली पास आप लोगों को लगभग 450 रुपये का मिल जाएगा। और इनका जो ईयरली पास होता है उसमें आप लोग भारत की सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, SSC का भी दे सकते हैं, UP SSSC का, UPSI का, UPSC का, UPSC का, रेलवे का, बैंक का, सारे टेस्ट आप दे सकते हैं। टेस्ट की संख्या इसमें लगभग 80,000 है, 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं और 12 से अधिक भाषाओं में आपको मार्क लिस्ट इसमें मिल जाएंगे। तो लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, आप लोग जल्दी जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत यहीं से होगी कि बुरी तरह हार गए लेकिन भर्तियों में कोई भी प्रगति नहीं है। उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों के विज्ञापन तो आ ही नहीं रहे, आज उनकी हम बात भी नहीं करेंगे कि दरोगा भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो रहा, PRT का विज्ञापन नहीं जारी हो रहा, PGT PhD का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा, इसकी बात नहीं करेंगे। पहले हम पुरानी भर्तियों का ही देख लें कि कम से कम पुरानी भर्तियां ही कंप्लीट हो जाए तो हजारों और लाखों छात्रों को जो है नौकरी मिल जाए और उनकी जो बेरोजगारी है वो समाप्त हो जाए। ये नाराजगी ऐसी नहीं है, समाचार पत्रों में ऐसे ही नहीं आया। ये देखिए, ये आज की न्यूज है और ABP न्यूज इसी से मिलती जनसत्ता न्यूज है और इसमें एक सर्वे के बारे में बताया गया है जो सी वोटर का ओपिनियन है जो लिया गया है पूरे प्रदेश के लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी को केवल जो 33 सीटें मिली हैं उसका कारण और क्या BJP इसकी वजह से CM योगी को हटा सकती है, इस चीज को लेकर के सर्वे हुआ पूरे प्रदेश में। और यहां पर देख सकते हैं आप लोग नीचे सबसे ज्यादा किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया कि BJP क्यों आ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है जो मैं हमेशा से बताता रहा हूं वो ये है, 49.3% लोगों ने बताया कि बेरोजगारी और महंगाई, और किसी ने केंद्रीय नेतृत्व, किसी ने कुछ और किसी ने संगठन, किसी ने बहुत सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, लेकिन मेन मुद्दा आया बेरोजगारी। और अभी जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जो रिपोर्ट प्रदेश से भेजी गई थी केंद्र को, तो उसमें भी ये बताया गया था कि हारने का प्रमुख कारण जो है बेरोजगारी और जो भर्तियों की लेट लतीफी है वो है। कौन कौन सी भर्तियां लंबित हैं ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी लोग प्रतियोगी छात्र हैं, सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं कुछ भर्तियों के बारे में आपको बताऊंगा। और उत्तर प्रदेश में लगभग 40 भर्तियां फंसी हुई हैं, 40 भर्तियां टोटल, और इसी क्रम में विद्यार्थी जो हैं वो कल UP SSSC जा रहे हैं लंबित भर्तियों को लेकर के, एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। विद्यार्थियों को कुछ नहीं पता है कि UP SSSC की जो लंबित परीक्षाएं हैं, जो लंबित भर्तियां हैं वो कब कंप्लीट होंगी, जिन भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं उनकी परीक्षाएं कब होंगी। तो पहले ये वीडियो देखिए जो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं कल पीके भवन में, तो ये वीडियो आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि UP SSSC एग्जाम कैलेंडर को लेके कल UP SSSC आयोग पर धरना रखा गया है। इसके लिए जो समस्त छात्र छात्राएं हैं UP SSSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी के हों, जूनियर असिस्टेंट के हों, ऑडिटर के हैं, AGDA के हैं, JEE के हैं, ड्राफ्टमैन के हैं, फार्मासिस्ट के हैं और अदर वैकेंसी जो भी हैं उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो प्लीज कल सुबह 9 बजे आप सभी लोग पिकअप भवन पर उपस्थित हों। यह जो धरना शुरू होगा वह हवन पूजा से प्रारंभ होगा, तो इसीलिए समय जो रखा गया है वह सुबह 9 बजे रखा गया है। इसमें हम लोग की बहुत सारी मांगे हैं, कुछ प्रमुख मांगे हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। जैसे सबसे पहली मांग है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए और परीक्षा जो होना चाहिए, दूसरा ये है कि जो परीक्षा होना चाहिए वो 8 महीने के अंतर्गत नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। ये जो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल से लंबित भर्तियां हैं, मैं आपको बता दूं कि 2015 से 2024 तक 32 लंबित भर्तियां हैं, पेट 22 से 10 भर्तियां आ चुकी हैं, एग्जाम का कोई पता नहीं, पेट 23 से 10 भर्तियां आ चुकी हैं, एग्जाम का कोई पता नहीं। आखिर कब तक आप लोग बैठे रहोगे, पढ़ते रहोगे? अगर पढ़ रहे हो तो एग्जाम भी देना जरूरी है, तो इसीलिए अपने हक के लिए वो आओ। इसमें किसी का वो नहीं है कि वो जा रहा है तो मेरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप अपने हक के लिए आइए, ये सभी के लिए है, किसी एक से नहीं हो जाएगा, सबका साथ इसमें चाहिए। तो मेरा यही सभी से निवेदन है कि कल सुबह 9 बजे पिकअप भवन UP SSSC आयोग लखनऊ में जो कि स्थित है, आप सभी लोग वहां पहुंचिए
और इस अपने मुहिम को सफल बनाइए और एग्जाम कैलेंडर और जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जारी हो सके जल्दी से जल्दी। नहीं तो आप लोग को पता है कि ये 9 वर्षीय आयोग है, पंचवर्षीय नहीं कहूंगा, 9 वर्षीय आयोग है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह 9 बजे आप सभी लोग उपस्थित होंगे। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे मेरी बात उन तक पहुंच सके और वो अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। तो देखा ये आप लोगों ने, ये मामला तो बहुत एक केवल एक आयोग का है, यूपी ट्रिपल एससी का। इसी तरीके का मामला सभी भर्ती बोर्डों का है उत्तर प्रदेश की। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी भर्तियां लंबित हैं यूपी ट्रिपल एससी के अलावा भी। पहले आप लोग ये देखिए, जो विद्यार्थी जो आज ट्विटर पर अभियान जारी किए हुए हैं, लगभग 1,06,000 ट्वीट हो चुके हैं। और ये जो ट्वीट हो रहे हैं ये नई भर्ती को लेकर के हैं, पीआरटी की। और ये भर्ती भी बताते हैं इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पुरानी भर्ती फंसी हुई है, 69,000 वाली, 6,800 वाली आरक्षण को लेकर के फंसी हुई। ट्विटर पर आप लोग मुझको भी फॉलो कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विद्यार्थी इस समय अभियान जारी रखे हुए हैं, यूपी पीआरटी वैकेंसी। और आपको पता होगा कि जो मंत्री जी हैं उन्होंने एक बार कहा था कि पुरानी भर्तियां लंबित हैं और 69,000 का जो मामला है जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक ये नई भर्ती है वो नहीं आएगी। तो इधर भी लंबित वाला मामला है और अभी तक आज तक जो आरक्षण वाला जो विवाद है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो ये जो अगर आप लोगों ने ट्वीट ना किया, मैं फिर से याद दिला दूं कि आप लोग जो वो ट्वीट कर दीजिएगा। ये देखिए, ये विद्यार्थी कभी धरना प्रदर्शन तो कभी ट्विटर अभियान आए दिन लगातार कर रहे हैं। चलिए, बात हो गई पीआरटी वैकेंसी की, लेकिन हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी 40 भर्तियां उत्तर प्रदेश में लंबी। तो शिक्षक भर्ती की बात करें तो सबसे जो प्रमुख भर्ती है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती है। ये देख सकते हैं आप लोग विद्यार्थी, ये ज्ञापन अभियान चला रहे हैं जितने भी अधिकारी हैं। ये कौन है? अपर शिक्षा निदेशक, इनको विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को ज्ञापन दे रहे हैं और करेंगे क्या विद्या। और अधिकारी तो या तो धमकी देते हैं या तो आश्वासन देते हैं, दो ही चीजें देते हैं, भर्ती नहीं देते। और ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको ये दिया है नागेंद्र पांडे। आर के वर्मा, ये विधायक है रानीगंज के, इनको भी विद्यार्थियों ने ज्ञापन। तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं, ये ज्ञापन अभियान चल रहा है विद्यार्थियों का पिछले 2-3 सालों से। पहले मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट से भी वापस आ गया। तो बस केवल शासनादेश भर जारी होना है और कुछ नहीं होना है। अब हम बात करते हैं कि 40 भर्तियां कौन कौन सी हैं। तो 32 भर्तियां तो ये देख लीजिए यूपी ट्रिपल एससी की जो लटकी हुई है, 32 भर्तियां लटकी हैं टोटल। इसके बाद में कौन कौन सी भर्तियां लटकी हैं, इसके बाद में आपकी जो भर्ती लटकी है वो एलटी का अधियाचन पहुंच चुका है, बीईओ का ये पहुंच गया था फिर वापस किया गया, फिर पहुंचना है इसका। बीईओ का भी अधियाचन पहुंच चुका है, लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। टी जी टी पी जी टी लटकी हुई है, और ये टी जी टी पी जी टी 2022 वाली है जिसके लिए आवेदन लिए गए थे। टी जी टी 2011 जीव विज्ञान की वैकेंसी भी लटकी हुई है, इन लोगों का इंटरव्यू होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लटकी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लटकी हुई है, इसकी भी परीक्षा होनी है, इसके भी आवेदन टीजीटी पीजीटी के साथ में ही लगभग लिए गए थे। 1 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने आवेदन किया इसमें, 13 लाख के आसपास इसमें आवेदन किया है। एडेड जूनियर भर्ती भी हो गई, और इधर पेपर लीक को लेकर के पुलिस कांस्टेबल पता नहीं कब कंप्लीट हो, आरओ की परीक्षा होनी है, और आरओ के चक्कर में जो पीसीएस है वो भी लटकी हुई है, उसकी भी परीक्षा होनी है। एलटी के साथ में लेक्चरर की वैकेंसी भी प्रवक्ता की है। तो कुछ भर्तियां नियमा एलटी के साथ में, ऐसे तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो आनी है, 2-3 भर्तियां जिनके विज्ञापन आने 6 साल से नहीं आ रहे। जैसे एक और वैकेंसी है, जैसे एआई की वैकेंसी है, नियमावली के नाम पर रोकी गई है। एआई के साथ में जीडीएस की वैकेंसी है, लोक सेवा आयोग से आनी है, उसमें भी कुछ बदलाव की वजह से उसको भी रोका गया। तो 40 से ज्यादा वैकेंसियां हैं। अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में हार हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी जो समकक्ष अर्हता का विवाद है वो समाप्त नहीं किया गया है। एलटी का विज्ञापन अभी तक आया नहीं है, लेक्चरर का विज्ञापन अभी तक आया नहीं है, जीडीसी का विज्ञापन अभी तक आया नहीं है, एक विज्ञापन अभी तक आया नहीं है, पीआरटी का विज्ञापन अभी तक आया नहीं है, और यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। एडेड जूनियर हाईस्कूल भर्ती में शासनादेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। युवा मंच की टीम आज बहुत सारी जगह गई, जिससे आप लोग यहाँ पर ये तस्वीर देख सकते हैं, छात्रों की चर्चा परिचर्चा भी। छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, छात्र बहुत ज़्यादा हताश और निराश हैं कि इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। सोचने वाली बात है, ये देख सकते हैं याद जी की तस्वीरें हैं। और इसी के संबंध में युवा मंच की तरफ से आज प्रधानमंत्री से गुहार भी लगाई गई, ट्वीट भी किया गया
जितने भी रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए और जो पुरानी लंबित भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। इसको लेकर के प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा मंच ने पीएम मोदी को एक्स हैंडल पर पोस्ट करके सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स, सरकारी विभागों में खाली करोड़ पदों पर तत्काल भर्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की गारंटी, हर व्यक्ति के समाज सम्मानजनक जिंदगी गारंटी जैसे सवालों को हल करने का मुद्दा उठाया है। और कार्यकर्ताओं ने खुसरोबाग, एलनगंज, कटरा, ममफोर्डगंज, सलोरी, नैनी, राजापुर में छात्रों और युवाओं से संवाद व जनसंपर्क किया है। तो फिलहाल अभियान चल रहा है, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।